मैं मेरे गोविंद को तैयार कर दूँ अच्छे से। तो इसको करवा चौथ पे नया करवा चौथ तथा कार्तिक चौथ भी कहा जाता है। सर्गी का मतलब ये होता है कि रंगी और पीले ही रंग का मैंने सूट पहनना है। हम दोनों सेम बट डिफरेंट। ये थोड़ा सा डार्क आ रहा है। ये लिपस्टिक जो है ये कल तक नहीं उतरेगी। ये तो ना अंधेरा से क्यों कर रखा है। हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू माई चैनल एंड यू आर वॉचिंग यामी दी ब्लॉग। तो दोस्तों आज है करवा चौथ और मैं आई हूँ यहाँ पर शॉप में, आप देख रहे हो मेरे बैकग्राउंड में, मम्मी के लिए गिफ्ट लेने। एक्चुअली मम्मी के पास रेड कुर्ता मतलब रेड सूट या रेड कुर्ता नहीं था आज के दिन पहनने के लिए, और उन्होंने पुराना पहना हुआ था तो वो कह रही थी मेरे पास पुराना ही कुर्ता है, कोई नया ही कुर्ता ही नहीं लिया। तो मैंने सोचा चलो चुपचाप जाती हूँ मैं और एक नया कुर्ता मैं ले आती हूँ अगर मुझे मिल गया तो। तो यहाँ पर ना ज़्यादा ऑप्शन नहीं है क्योंकि शॉप्स वगैरह इतनी नहीं है गारमेंट्स की जो मतलब हम लोगों को पसंद आ जाए। तो मतलब ठीक ठीक सो सो ही कह सकते हैं, ज़्यादा ऐसा नहीं मिलता कि बहुत ज़्यादा अच्छा मिल जाए। वैरायटी नहीं है मतलब यहाँ पे ना शॉप्स वगैरह की। तो अभी जो एक दो शॉप्स है तो उसमें मेरे को एक दो पीस पसंद आए तो चलो दिखा देती हूँ मैं आपको। दोस्तों मुझे समझ ही नहीं आ रहा है तीनों में एक ये वाला है, दोनों ही राजस्थानी प्रिंट है ना ये। दोस्तों देखो दो कलर भैया ने दिखाए हैं जो प्लस साइज में है, तो एक तो उनमें से ये वाला है और दूसरा ये है। ये है बांधनी दुपट्टा विद लेसेस वाले, सिंगल सिंगल कलर्स में भी तो आते हैं ना ये। अच्छा विदाउट लेस नहीं लाए कोई भी आप? मल्टी शेड में तो है, सिंगल सिंगल कलर्स में चाहिए था। अच्छा इसकी क्या रेंज है? अच्छा ऑर्गेंजा का ऐसा तो है हमारे पास। इसमें भी रेड कलर का है क्या दुपट्टा, रेड या गोल्डन? इसमें ऑर्गेंजा वाले में नहीं है ऐसा। जो भी कलर्स आप लाए ना मोस्टली मेरे पास है, मैं सिंगल कलर में चाहिए। ये विदाउट लेस अभी एक भी नहीं है क्या शॉप में? नहीं ये वाले नहीं, इसमें जो आता है इसमें विदाउट लेस जो मिलते हैं। ये वाला दुपट्टा है जो मैं सोच रही हूँ उसके साथ लगाने के लिए, सूट के साथ लगाने के लिए। ये थोड़ा सा डार्क है, डीप रेड है एंड ये टमाटरी रेड है। भैया कौन सा ठीक लग रहा है, ये वाला सही लग रहा है कि ये वाला ठीक? ये थोड़ा सा डार्क आ रहा है। ये वाला देख रही थी मैं लेकिन इसमें प्लस साइज नहीं है। देखो कितनी तेज धूप है इसलिए मेरे को ऐसे बन के आना पड़ता है आतंकवादी। करवा माता का जो कैलेंडर है ना उसमें शिवलिंग नहीं मिला था कल, तो आज मिला है। कल फोटो मिली लेकिन उसमें शिवलिंग नहीं था, तो मैं कैलेंडर लेके जा रही हूँ उसके ऊपर चिपका देंगे। और ये गणेश जी के लिए गुड़ ले लिया ना माला ना। ये माला भाई ये क्या चीज है? आ जा आ जा बेटा बोल रहा है कि शर्मा रही है ये वीडियो में आने से। माला लेकर आई है, 40 रुपए देने ना माला के। हाँ तो 40 रुपए हो गए ना, तो पैसे अंकल को कटवा देती हूँ तो ले लियो अंकल से, है ना मैं फोन पे करूँगी। दोस्तों बाजारों की रौनक देखने लायक है। ये देखो यहाँ पे ना रंगे जा रहे हैं, खुद से ही रंग रहे हैं। खुद ही बना रहे हो आप? ये इतना सुंदर भगवान का बनाया, सुंदर आप थोड़ी बनाया।
A few moments later. चलो चलते हैं, बहुत गर्मी है अब। किलो ही लिया है गुड़, गुड़ मेरे को सही नहीं लग रहा था उसका लोगों का। और ये रहा कैलेंडर, पूजा के लिए चाहिए मुझे तो। ये एक जगह रखो ना पूजा के सामान, ये कैलेंडर पे चिपक जाएगा। और ये लो खिड़की से खुलवा लो। ये इसका वो है प्लाजो, वो दुपट्टा अच्छा नहीं लग रहा था मुझे तो मैंने फिर दूसरा लिया। नहीं अच्छा लग रहा उसके साथ, जा ही नहीं रहा उसके साथ, वो गोल्डन में है ये वाइट आ गया, इसलिए मैंने अलग से एक और दुपट्टा लिया। पहन लो, वो तो डालती नीचे तो पूरा तो पहन के दिखाती, पैर दिखाया अभी तो पता नहीं क्या ही। ये जा रहा है इसके साथ, और वो क्या पजामा और क्या पहनती, तो पूरा पहनती। अब देखो अब कितना बढ़िया लग रहा है, वो वर्क अच्छा लग रहा है सामने। प्लाजो भी सही आ गया है। गाइस आलता लगाओ, टाइम बचाओ, गंद बचाओ, गंद फैलने से बचाओ और टाइम बचाओ। देख बेला लाल है यार, मैरून वाला बढ़िया लगता है। इसमें मैरून कलर कह रहा है कि वो डार्क वाला मैरून कलर मिला लो तो डार्क हो जाएगा। मैरून कलर आएगा कहाँ से, लेकिन सिद्धि के पास है कलर, और कौन कर ले सिद्धि थोड़ा तेल मिला लेना तो वो दिखेगा। देखो डार्क लग रही फोन में, लेकिन फोन में डार्क लगे तो ना, अंधेरा से क्यों कर रखा है ये फोन में, समझ नहीं रही है। तीन लेयर है, पानी का नंबर जा रहा होगा तो यार कौन ये लगा हुआ करता है, जिम करती थी ना उस टाइम, नहीं कहते ना हम लोग इससे नीचे नहीं कराते वेट लिफ्टिंग, हां तो ये रोता है कि नहीं। क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है, पूरा मुंह गीला कर लेते हैं, क्या हो रहा है ये, दे दो मेरे को, नामी को दे दो, तो दोस्तों 4 बजने वाले हैं, कथा का समय होने ही वाला है, तो उससे पहले मैं मेरे गोविंद को तैयार कर दूँ अच्छे से स्नान करा के। तो आज मैं पीला सूट पहनने वाली हूँ, इससे मैंने सोचा आज उन्हें पीली पगड़ी ही पहनाऊंगी। गोविंद को स्नान वगैरह करा दिया है मैंने, दोस्तों ये वाली पगड़ी पहनाऊंगी मैं पीले रंग की, और पीले ही रंग का मैंने सूट पहनना है। तो देखो जो आलता लगाया था ना वो देखो, सब सारा पानी लगते ही सारा देखो हल्का हल्का पड़ गया, सब उतर गया, बेकार है। हाथ पे हाथ वाथ पे लगाना, पैर पे ठीक है, लेकिन हाथों पे तो कुछ भी काम करोगे वो सब पानी से देखो ऐसे धुल जाएगा सारा निकल। गोकुल में चमके मथुरा के तारे, अब दोस्तों मैंने गोविंद को तो तैयार कर दिया है, लेकिन मैं अभी उनको नहीं दिखाऊंगी, उनको मैं दिखाऊंगी पूजा होने के बाद। अभी मैंने सोचा कि चलो मैं ही रेडी हो जाती हूँ, उधर मम्मी तैयार होने गई है, ऊपर शिवानी तैयार होने गई है। मैंने वॉच पहन लिए, मुझे अच्छी लगती है, और ये कड़े डाल लेती हूँ, येलो के साथ अच्छे लगते हैं। ये है टिप्सी ब्यूटी का रोज क्वार्ट्ज, ये देखो मेरा
एक्सटेंशन वाला क्लचर, इसको ऐसे बस लगाना, दैट्स इट। दोस्तों आज मौसम बहुत अच्छा हो गया है, अचानक अचानक बादल छा गए हैं और लगता है वर्षा हो सकती है, है ना मम्मी? वैसे देखो इतने दिन से धूप हो रही थी, गर्मी हो रही थी, अभी एकदम बादल छा गए हैं, बहुत अच्छा सा मौसम हो गया। अब ये लिपस्टिक जो है ये कल तक नहीं उतरेगी, ऐसे लिपस्टिक जब होगी तब उतरेगी, वरना ऐसे नहीं उतरेगी। नहीं तो आप लोटा भरने की कह रही थी ना, लोटा अलग लिया, मेरा अलग लिया, इसका ही अलग, इसके अलावा आपने कथा सुनकर पूरा नहीं चढ़ाएंगे। अच्छा जब भी लगे नहीं टाइम निकला जाएगा, फिर सूरज हो जाता है ना, ये इसका हो गया शिवानी का अलग, अपना और मेरा लिया बस जान कर देंगे। मैं तुम्हें धन संपद सुख संपत्ति और पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ। इसे करवा चौथ तथा कार्तिक चौथ भी कहा जाता है। इस व्रत की पूजा में मिट्टी के करवा करुआ में जल भरकर रखा जाता है। जिन लड़कियों का विवाह होता है और वह विवाह के बाद में अपनी पहली करवा चौथ को अपने ससुराल में रहकर करती हैं, तो उनका मायका विहर से उनके लिए शक्कर चीनी के करवे भेजे जाते हैं। इस चौथ की व्रत की कथा ये है। साहूकार तथा जिसके सात बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक के कृष्ण पक्ष की चौथ का व्रत, शाम को जब सभी भाई भोजन करने के लिए बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से कहा, आओ बहन भोजन कर ले। बहन बोली, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद निकलने पर ही उसे अध्य देख कर भोजन करूंगी, दीर्घ आयु प्रदान करना, जय चौथ माता। A few moments later. सदा सुखी रहो, सुहागन रहो, सदा सुहागन रहो, सुखी रहो। डिजिटेक इस बार मत करना। गाइस इसने एक माइक कल नया माइक कल घुमा दिया है, गिरा दिया है, तो इसको करवा चौथ पे नया माइक गिफ्ट मिला है मुझे। थैंक यू। ये किसने दिया है? पतिदेव ने। खोया था मैंने, बहुत टेंशन हो रही थी कल मुझे, और अब मिल गया, अब नहीं खोऊंगी, अब ध्यान से रखूंगी इसको। नाड़ा बांध के गले में डाल, वो मास्क में नहीं लगाते थे बेल्ट, और वो इसमें लगा, नहीं नहीं इसके साथ ऐसे ही नाड़े में गले में बांधो और माइक लगता है, ये रोना चालू।
सूर्य देवता को भी अर्घ दे दिया है और अब मम्मी बनाने चले गई हैं खाना। तो खाना बनाने के बाद अब फिर शाम का वेट करेंगे हम चंद्रमा निकलने का। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि मम्मी क्या क्या बना रही हैं। लेट्स गो मम्मी, क्या क्या बनने आया? मटर पनीर, गोभी आलू और खीर बनाई है। मतलब अभी तो ये गोभी आलू अभी ये बनेंगे, अभी तो बच्चे हैं। ये मटर पनीर, ये क्या है? खीर है। खीर रेडी है। जामे कहाँ है? जामे कहाँ है? अभी ये तो आलू गोभी आएगा, उसमें आलू गोभी आएगा। अभी कुछ नहीं किया है मैं, बस ये किसने कहा, ये किसने पूछा? मैंने कुछ नहीं किया। जब लोग किचन में देख के सोचेंगे ना करवा रही होगी तो यही कब लिया है। ये वही वाली है जो हमने कल रात को ली थी, है ना? इसने क्या ग्रीन और रेड मिला लिया, कड़े वही वाले हैं जो मैंने आपको दिखाए थे। इसने मुझे साड़ी ये वाली पहनवा दी, करी मम्मी ये वाली साड़ी पहनो ताकि हम दोनों सेम वो इसलिए इन सेम बट डिफरेंट पुरानी साड़ी है ये, मैं इस घर में आई थी ना पक्की है। मैं सीधे पल्ले की साड़ी पहनाऊंगी अभी मम्मी जी फ्री हो जाए, फिर जैसे मैंने पहनी हुई है ना ऐसे मैं मम्मी जी को पहनाऊंगी। मेरे पास भी लाल साड़ी है, कोरी थी तो मैंने ये पहनी है। दीदी मिठाई का डब्बा ये दीदी लेके आई थी। मेरा बर्थडे पड़ गया था, इसकी पूजा थी घर की, तो इसने ऐसी साड़ी ला के दी जो पूजा में चल जाए, बट अच्छी लगती है। कभी कभी अच्छी लगती है ये वाली साड़ियाँ। अभी मैं अभी एक ही मैंने भी इसीलिए पहन ली। हम दोनों बहन भाई सो चुके हैं थक के। हाँ जी दोस्तों, तो मैं छत पर आई हूँ चांद देखने के लिए कि कितने बजे तक चांद निकलेगा। देखो वैसे हर बारी क्या होता है ना, चांद हमेशा लेट करता है, चांद हमेशा लेट निकलता है, लेकिन आज भी पता है बादल छा गए और आज तो सूर्य देवता जब ढल रहे थे ना तो उस टाइम भी बादलों से छुप गए थे। तो मुझे लग रहा है कि बादल लग रहे हैं क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चल रही है ऊपर, तो कहीं ऐसा ना हो कि चांद अभी भी मतलब निकल तो आए बट दिखे ना। सबको इन्फॉर्म कर दूंगी क्योंकि क्या है कि सब लोग ना थक गए हैं। पता है थक क्यों जाते हैं? क्योंकि पानी नहीं ना पीते, इस वजह से पानी नहीं पिया। और मैंने तो पता है कल का पानी पी रखा है मैंने, आज सरगी भी नहीं करी है। जैसे मम्मी और शिवानी ने तो क्या सुबह सरगी कर ली थी, बट मैं क्या टाइम पे उठ नहीं पाई क्योंकि मैं रात को लेट सोई थी। सरगी का मतलब ये होता है कि सूर्य देवता के उगने से पहले फ्रूट्स या फिर मिठाई या दूध आप खा सकते हो, ठीक है? और ये होता है सरगी। चाय भी पी सकते हो, पानी भी पी सकते हो, बट अनाज वगैरह नहीं खाते। हाँ फ्रूट्स और मिठाई वगैरह खा सकते हैं। क्या कहना चाहती हो? हलक सूख रहा है, हलक हलक में जैसे बंजर बंजर जमीन की तरह हो गया। चेहरे के सुबह जितनी आ रही थी ना ऐसा वाला, अब ऐसा नहीं हो रही। 2 very boring minutes later. बादलों में छुपे हुए, बादलों में देखो, वो देखो कितने सुंदर लग रहे, वो देखो। कोई नहीं, एक बार दर्शन होने चाहिए बस। छुप गए यही मैं गाने वाली थी। हाथों में पूजा की थाली आई राज भागू वाली, चांदी को देखूं क्या आ गया, हाथ में जोड़ूं करवा चौथ का व्रत में तोड़ूं। ओ भगवान भोग लगाओ, दूध वाली मिठाई से रसमलाई से ऐसी होता ना। दर्शन दे गए। तेरे हाथ से पीकर पानी दासी से बन जाऊं रानी के। इनकी जगह लेना कैसे दिखा रहे हैं?
खुश रहो। कहाँ गए? छेद में से पीना था। चंदा मामा से पढ़ाई के लिए अपना प्रार्थना करो, है ना? आपको देख के वो करते हैं बेटा। चंदा मामा को देखो, चंदा मामा को देखते देखते आरती उतारते हैं ना। लेके बैठ गई। क्या क्या खा रही हो? गोभी आलू तो मतलब बब्बू चटपटे नहीं है। स्पाइसी नहीं बना है यार। थोड़े तो गोभी आलू तो ठीक है। ठीक है, खिला के दिखाऊं तेरे को? अरे अभी उनको खाना और राधा को खिला दो। दोस्तों ये है वो खाना, ये है वो खाना। तो गाइस यहाँ पर खाना लग गया है। ठीक है, सबसे पहले भोग लगाएंगे प्रभु जी को। लोग खाना वाना खा के अपने अपने कमरों में प्रस्थान कर चुके हैं। तो आज का दिन कुछ इस तरीके से था जो आपने आज पूरे ब्लॉग में देखा। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना कि कौन कौन से शहर से आप हमें देख रहे हैं। बहुत जल्द मिलते हैं आपसे एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।